नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब न्यूज नाउ में। आज मैं आपको C-DAC मुंबई में जो 91 प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल जॉब न्यूज नाउ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिल सके। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए हमें C-DAC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना होगा। उसके लिए टाइप करना है www.cdac.ni.in, एंटर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा C-DAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो इसमें हमें जाना है करियर्स के ऊपर। करियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा करंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। करंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यह आ जाएगा C-DAC मुंबई इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाले जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। इसमें हमें दिया गया है C-DAC मुंबई इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं ये 91 पोस्ट हैं। ठीक है, इसमें हमें पूरा जो दिया गया है हाउ टू अप्लाई ये आप ध्यान से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, क्लोजिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन अप्रैल 26, 2019। अप्रैल 10 से स्टार्ट हुए थे तो ये हमें यहाँ पे नीचे लिंक दिया गया है। ये जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़नी है तो आप इस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ये क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स एंड अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ डिटेल दी गई है, पोजीशन नेम कैटेगरी वाइज दिए गए हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर की हैं 4 पोस्ट। मैक्सिमम एज है, पे स्केल है ये हमें दिए गए हैं। इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन से। फिर उसके बाद हमें दिया है प्रोजेक्ट इंजीनियर, 58 पोस्ट हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर की 20 पोस्ट हैं, अलग अलग इनके अप्लाई करने हैं। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर की 9। तो इस तरह से हमारे पास सारे लिंक जो हैं वो ओपन हो गए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।